अपराध मुक्त भारत नए स्वरूप में, जिसमें हम 21 महालक्ष्यों की बात कर रहे हैं, और अपराध मुक्त वाला भारत जो है वो चौथे पायदान पे खिसक गया है। उसके ऊपर तीन और पायदान आ गए। पहला पायदान आया कि नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन, तो केवल आईपीसी सीआरपीसी नहीं, सभी नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। फिर दूसरा उसका पॉइंट है कि जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, ये अंग्रेजों ने किसके लिए बनाई थी? शासन करने के लिए। लॉर्ड्स पैदा किए थे, हम जैसे लॉर्ड पैदा किए थे। मैथिली शरण गुप्त एज ए डीजी आईपीएस, ही एज ए लॉर्ड, जो कुछ चाहूं करूं, यही था कि नहीं था? आज कलेक्टर क्या है? लॉर्ड है, झूठा फर्जी आदेश कर रहा है मामा जी के खिलाफ। वो उस आदेश को पारित करने के लिए सक्षम भी नहीं है, तब भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड है, लॉर्ड मेक्स नो मिस्टेक्स। तो दूसरा पॉइंट था कि यह है अंग्रेजों की बादशाही लॉर्डशिप वाली क्रूर व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाएगा, उसे पारदर्शी बना दिया जाएगा, अकाउंटेबल बना दिया जाएगा, उसे जो भुगतान है वो रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा। भारत सरकार पर अपने इन लॉट्स का भी जो है ना खर्चा नहीं आएगा, और यदि ये सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेंगे तो इन्हें लाखों में हर्जाना देना होगा। ये पॉइंट नंबर दो पे आ गया। तीसरे पे शिक्षा व्यवस्था आई कि आप तो अभी भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से पढ़ रहे हैं, जो आपकी संस्कृति, आपके संस्कारों को, आपकी शिक्षा को तोड़ने के लिए बनाया था। भाई साहब, उस नियम कानून को बदल दो, उसको हम वैदिक शिक्षा कहेंगे। लेकिन वैदिक शिक्षा से कंफ्यूज मत होइए, हम अकेले वेदों और पुराणों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने तो बड़े बड़े शास्त्र लिखे हुए हैं। उस दिन मैं आपको बता रहा था कि हमारे ऋषि भारद्वाज ने एक विमान शास्त्र लिखा जिसमें 8 अध्याय हैं, 3000 श्लोक हैं, उसमें 32 तरीके के विमान बनाने का विवरण है। कितने तरीके के? 32 टाइप्स, छोटे बड़े अदृश्य होने वाले विमान हैं उसमें। दूसरे विमान आ रहे हैं, उनको जो ना दूर से ही जान लेने के हैं, उनको विमानों को नष्ट करने की भी प्रक्रिया है। किसने किया? किसने किया? ऋषि भारद्वाज ने। उस विमान शास्त्र का अध्ययन करने का मौका मिला एक सुधाकर शास्त्री थे मुंबई में, उन्होंने विमान बनाने की कोशिश की तो अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए, वो अदृश्य होके जो है ना कुछ 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 करते रहे। उन्होंने एक चेले को पकड़ा जिसका नाम था शिव कुमार दलपते, और उस शिव कुमार दलपते ने इस विमान शास्त्र के आधार पर अभी नए युग में 1895 में हवाई जहाज बनाया, जो जूहू चौपाटी पर डेमोस्ट्रेट किया गया, जो 1500 फीट ऊपर गया, 18 मिनट ऊपर रहा और सुरक्षित नीचे उतरा। जो राइट ब्रदर ने 8 साल बाद बनाया था वो सिर्फ 120 फीट ऊपर गया था और नीचे गिर के टूट गया था। असली हवाई जहाज का निर्माता कौन था नए समय में भी? शिव कुमार दलपते। कब किया? 1895 में। आपने को पढ़ाया गया क्या ये? तो ऐसे बहुत सारे ऋषियों ने ऐसे 95 में, 1903 में राइट ब्रदर ने किया, उसके 8 साल पहले। तो ये नई शिक्षा पद्धति में ऐसे ढेर सारे शास्त्र, नए पुराने, इन पे ढेर सारी रिसर्च की जाएगी। हमारी जो शिक्षण संस्थान हैं वो हजारों किलोमीटर में फैले होंगे, जहाँ पे हर तरीके की रिसर्च होगी। ये अकेला पंडितों का जो है ना, पुराण पुराने का जो है ना पंडितों का वो चक्कर नहीं है, ये नई शिक्षा व्यवस्था है। और इस जो हजारों किलोमीटर में जो विश्वविद्यालय फैले होंगे, अभी हम कहते हैं कि 10 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी नहीं आता है, अरे 10 विश्वविद्यालय में सभी भारत के ही होंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी। लेकिन वो लॉर्ड मैकाले के एक्ट से नहीं आएगी, वो इस नए एक्ट से आएगी। और किसी की जमीन अधिकृत नहीं की जाएगी, तो जमीन कहाँ से आएगी? किसानों की जमीन होगी, और जो सभी किसान मिलके वो ऑनर्स क्लब के सदस्य कहलाएंगे। यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपए कमाएगी और वो इन किसानों में बटेगा। कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो शिक्षा व्यवस्था तीसरा पॉइंट था। फिर चौथा पॉइंट था
अपराध मुक्त भारत चौथे पे पहुंच गया था, तीसरे पे ये तीन ऊपर अलग चीजें पहुंच गई, और चौथा वाला भी कह रहा है कि अपराध आप कर ही नहीं सकते हो तो बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज करने पुलिस वाला नहीं आएगा, ट्रेंड वॉलंटियर आएगा, आप बटन दबाओगे वो आपके घर में पहुंचेगा। लेकिन इसमें ये मत सोचना कि आप झूठी एफआईआर दर्ज कर लेंगे, ये मत सोच लीजिए कि कोई लोग आपके फेवर में झूठी गवाही दे पाएंगे, ये मत सोच लेना कि पुलिस जो है ना झूठे विवेचना कर पाएगी, ये मत सोच लेना कि वकील आपको झूठा बचा पाएगा। ये चारों जो है परजरी के ऑफेंस होंगे और बहुत गंभीर ऑफेंसेस होंगे। वो झूठी रिपोर्ट करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, झूठी विवेचना करने वाला, झूठी वकालत करने वाला जेल में सड़ जाएंगे। अभी देखो बक्सर ये लोग कितनी दुष्टता कर रहे हैं, पुलिस हर कोई दुष्टता कर रहा है, झूठी रिपोर्ट करने वाला दुष्टता कर रहा है, झूठी गवाही देने वाला दुष्टता कर रहा है, फर्जी विवेचना करने वाली पुलिस दुष्टता कर रही है, लोगों को फंसा के गुमराह करके वकालत, फर्जी वकालत करने वाले वकील ढेर सारे हैं। आप देखो सभी संकटों से बाहर निकल गए कि नहीं निकल गए। फिर वो कह रहा है कि हमने एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया है जो ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। मतलब जो पुलिस सोच नहीं सकती है वो इविडेंस इकट्ठे होंगे, हैश वैल्यू से लॉक होंगे, और उसी समय जो है ना वो कोर्ट में भी चले जाएंगे, पुलिस के पास भी चले जाएंगे, तो पुलिस कुछ झूठा मूठा कुछ कर ही नहीं पाएगी। अधिकतर 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हो वकील एंगेज कर, तो ना आपको वकील एंगेज करना है ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना है, आप अपने घर से ही जो है गवाह अपने फ़ोन के माध्यम से दे पाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड रिजल्ट के ट्रायल से। और यदि कोई इतना अनपढ़ है नहीं कर पा रहा है तो उसके यहाँ पे एक वैन आ जाएगी और वो वैन में बैठ के अपना गवाही दे पाएगा, मतलब उसे कोर्ट नहीं जाना है, वैन भी उसके घर आएगी। अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा और जज जो है अन्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें दो तरीके की अपील है, अपील अगेंस्ट द जज एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट। तो यदि फरियादी कहता है कि इस दुष्ट जज ने साक्ष्यों को नज़रअंदाज करते हुए किसी अल्टीरियर कारण से गलत जजमेंट दिया है, तो उन जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा, और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज ही नहीं रहेंगे, आज जैसी महाभियोग वाली व्यवस्था की जरूरत नहीं होगी। यदि आप अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाया आप डी पैनल। बहुत हैं लोग पढ़े लिखे, उनको हम ट्रेन करके लाखों जजेस को पैदा कर देंगे, काय को चिंता कर रहे हैं। सरकार पे खर्चाना नहीं है, क्योंकि जो वो काम करेंगे उसका पैसा अपराधी से वसूल होने वाला है, तो सरकार को करोड़ों जजेस पैदा करने में क्या दिक्कत है, जितने जज चाहिए उतने जज पैदा हो जाएंगे, और वो तो पैनल बनाना है उनकी, राइट। और उसे लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा, तो ये जज जो है गलत जजमेंट देने की इनकी औकात रहेगी क्या? ऐसे अभी तो हमने चार बताए हैं आपको, ऐसे 17 और जो है महाउद्देश्य हैं जिसमें आपकी खेती बदल जाएगी, जिसमें आपका पानी बदल जाएगा, जिसमें पानी स्वच्छ हो जाएगा, जलवायु स्वच्छ हो जाएगी, गायों की संख्या जो है वो 10 गुना हो जाएगी, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, और इस सब काम में भारत सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा। ये सब चीज़ें राष्ट्रीय संपदा के निर्माण की कैटेगरी में आएंगी, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का हम निर्माण करेंगे उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी, डिजिटल मनी। लिहाजा इन सब कानूनों के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उससे पैसा खुद पैदा होगा। आज हमारे नेता कहते हैं कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं हमारी संभावना तो 500 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो आप 5 में क्यों लटके रहना चाहते हैं? और हम तो कह रहे हैं कि भैया नेता आपके हित की बात है, आप मेरी बात मान लो, हम तो आपको दो ही काम करना है, नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत मैथिली शरण गुप्त को बना दीजिए और उनको शक्ति दे दीजिए कि वो अभी विद्वानों को इकट्ठा करके जो हमने ऑलरेडी मॉडल और टेक्नोलॉजी बनाई है उसको रिफाइन करके आपसे ही अनुमोदित करा के पार्लियामेंट से अनुमोदित करके भेज देंगे। ना नेताओं के दिमाग को तकलीफ देंगे, ना उनके ब्यूरोक्रेट को दिमाग को तकलीफ देंगे, ना उनके खजाने का धन लेंगे, उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा। लिहाजा भारतवासियों को टैक्स मुक्त करना पड़ेगा, हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और डेबिट अकाउंट,
जब आपको पैसे की जरूरत होगी आपको किसी से नहीं मांगना है, आपके ही डेबिट अकाउंट से आपको मिल जाएगा। जब आप कमाओगे तो अपने आप बढ़ जाएगा, और यदि आप नहीं कमा पाओगे तो सिस्टम आपके पास आएगा पूछने के लिए, बैठो भाई तुम क्यों नहीं कमा पा रहे हो, हम तुमको कमाने के योग्य बनाते हैं। तो कमाने की भी चिंता आपको नहीं पालना है। अब बताइए, जुलूस आपको नहीं करना, आपको पैसे आपको नहीं देना है, जुलूस आपको नहीं निकालना है, किसी को पिटीशन आपको नहीं लगाना है, किसी पीआई कोर्ट में कोई पीआईएल नहीं लगाना है, कोई धरना नहीं देना है, आपको अपनी सोच नहीं बदलना है, अपना चिंतन नहीं बदलना है, अपना कार्यकलाप नहीं बदलना है, फिर भी अच्छा भारत नहीं चाहिए? फिर भी अपने से जुड़े 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते हो संकल्प और शपथ के साथ? तो इसका सीधा एक ही मतलब है कि अभी आपके पापों का जो दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। और ये तो अपने ग्रंथों में लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो आपको मैथिली स्वर्णगुप्त की बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अभी जो है कर्म विधान के तहत आपके पापों का दंड अभी आपको भुगतना है, और वो वर्तमान दुष्ट व्यवस्था में आप दंड ही भुगत रहे हैं। आपको मेरी बातें कितनी ठीक लग रही हैं, कितनी ठीक लग रही हैं? है आ रहा है? बताइए, इसमें आपको कुछ करना पड़ रहा है क्या? आपको कोई जुलूस निकालना है, धरना देना है, कुछ करना है? अपने घर में बैठ के अपने से जुड़े लोगों को नहीं जोड़ सकते हो क्या? वर्तमान व्यवस्था बहुत अच्छी है जो बिना कारण से आपकी बिजली काट लेती है, जिसका उसे अधिकार ही नहीं है। चलिए मामी जी, इस पर विचार करिए, भगवान आपका भला करेगा।